बाकी सुरैया जी, आरफाना कलाम आरफाना कलाम होता है। कब लिखा गया था और आज भी वो उतना ही ताजा और उतना ही खूबसूरत। बिल्कुल। आप हमें अब क्या सुनाएंगी? मैं अब आपको रोही लेके चलूंगी। सुरैया जी, जब आप बाहर जाती हैं बैरून मुल्क, तो लोग आपसे जो फरमाइशें करते हैं उसमें क्या सुनना चाहते हैं वो आपसे? क्या वो फोक सुनना चाहते हैं या गजलें, कोई खास चीज जो आपसे सुनना चाहते हो? नहीं, ऐसा ज्यादा इत्तेफाक नहीं होता वहाँ पे, क्योंकि वो एक तो मुल्क से बाहर रहते हैं। अभी हमारे कुछ चैनल्स की वजह से बहुत फायदा हुआ है कि अब पहचान होने लगी कि कौन क्या गाता है। और जब आप जाती हैं रोही वापस, जहाँ आपकी रूह का ताल्लुक है, जिससे वहाँ के जो लोग हैं वो क्या फरमाइश करते हैं आपसे? पहली तो ये बात है, मैं वहाँ से आई नहीं यहाँ। अच्छा, अब वही है? बचपन जहाँ होता है वहीं रहता है। वैसे ये बात सही है, कभी नहीं मैं वापस आई वहाँ से। और कितनी दुनिया में फिर लूं, वही मुझे आज भी देखती हूँ तो मुझे अपना वो बचपन और वो रूही नजर आती है। मगर वहाँ मैं जाती हूँ, उन लोगों का गाना कुछ और टाइप का है, बिल्कुल प्योर किस्म की काफी है। सेमी क्लासिकल भी और क्लासिकल भी पसंद करते हैं ये जो, या फिर जो गीत फोक वगैरह बनाए होते हैं, मगर ज्यादा अहमियत उसकी है। वो कहते हैं कि अगर आप गाना गा रही हैं तो आप क्या गा रही हैं, आपको अगर ये काफी नहीं आती। अब क्या सुनाएंगे आप सुरैया जी हमें? मैं अब आपको सुना रही हूँ अपना ही लिखा हुआ एक गाना।